मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था, तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। साथियों, आपके और कांग्रेस के, आपके साथ खिलवाड़ करने के उनके जो इरादे हैं, कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों के बीच आपके हकों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बन के खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है।